उसके पास ना एयरफोर्स थी, उसके पास ना टैंक ज्यादा थे, ना कोई बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन वो अपनी ईमानी ताकत से हुकूमत कर रहे थे इस तरह के जिस मुंजिन मुनशियात यानी हीरोइन को के कारोबार को खत्म करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। तालिबान के दौर हुकूमत में सारी हीरोइन के खेत बंद कर दिए गए और अफगानिस्तान से हीरोइन का खात्मा हो गया और अदल इंसाफ की मिसालें कायम। उस हालत में अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अव्वल तो ये बात भी जिल्लत की बात थी कि अमरीका जैसा सुपर पावर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी वो हमला करे दुनिया के सबसे कमजोर मुल्क पर, ऐसा मुल्क जिसके पास टैंक नहीं, जिसके पास हथियार नहीं, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं, जिसके पास एयरफोर्स नहीं, उस पर हमला कर रहा है और हमला करते हुए भी इस तरह डर डर कर हमला कर रहा है कि तनहा हमला करने के बजाय दुनिया की 27-28 मुल्कों से फौजें लेकर कि हम मिलकर करेंगे, अकेला करने की हिम्मत नहीं हो रही, 27-28 मुल्कों को साथ लेकर हमला करने का हमला कर रहा है। ये बात बजाते खुद जिल्लत की बात है, कमीनगी की बात है कि एक इंतहाई ताकतवर ताकत इतनी इंतहाई ताकतवर वो इंतहाई कमजोर इंसान के ऊपर हमला करे। एक आदमी पहलवान है और पहलवानी के मैदान में लोग उसको शिकस्त नहीं दे पाते और वो आके कमजोर मनहनी इंसान के ऊपर हमला करता है, तो उसका ये हमला करना ही बताते खुद एक जलालत की बात है। अरे भाई, अगर मुकाबला करना है तो अपने अपने जैसे किसी से करो ना। तुमने मुकाबला करने के लिए, हमला करने के लिए एक इंतहाई कमजोर मुल्क को इंतका इंतखाब कर किया, ये बताते खुद जिल्लत की बात। एक पहलवान जैसे एक मुनहनी इंसान के ऊपर, कमजोर इंसान के ऊपर हमला आवर हो जाए तो ये पहलवान की शान के भी खिलाफ, उसकी इज्जत के भी खिलाफ, जिल्लत ही जिल्लत है। लेकिन उसने इस जिल्लत का इकदाम किया और उसके नतीजे में उसने हजारहा इंसानों का खून बहाया, जिसमें औरतें भी दाखिल, जिसमें बच्चे भी दाखिल, जिसमें जवान भी दाखिल, उन सब का खून बहाया। अस्पतालों पर बमबारी की है, अस्पतालों में मरीजों के ऊपर बमबारी की है और इंसानी हुकूक का नाम लेने वाले वो उन्होंने इंसानी हुकूक को इस तरह पामाल किया अपने इश्तियालंगेज हमलों के जरिए कि जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल। लेकिन मुकाबले पर वो थे कि जिनके पास अगर जाहिरी तौर पर हथियार नहीं थे, पैसे नहीं थे हथियार खरीदने के लिए, जिनके पास टैंक नहीं थे, जिनकी फौजें बहुत तादाद में कम थी, ना उनके पास एयरफोर्स थी, ना उनके ऊपर बमबारी करने वाले आला थे, लेकिन सिर्फ एक चीज थी और वो है कुव्वत ईमानी। उस कुव्वत ईमानी ने के जरिए 20 साल तक दुनिया देखती रही कि उन्होंने उन सुपर ताकतों का मुकाबला किया, यहाँ तक के आखिर में हजारहा अरब रुपया डॉलर खर्च करने के बाद अमरीका को होश आया कि मैं किस कौम से जाकर टकरा गया हूँ और किस कौम से मैंने अपनी दुश्मनी ठान ली है। मैं हजारहा अरब यहाँ पर लुटा चुका हूँ और अपने हजारों फौजी मरवा चुका हूँ, लेकिन मैं अब तक कामयाबी की शक्ल नहीं देख पा रहा, लिहाजा उसने हथियार डाल दिए और अमन का मुआहदा कर लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। लेकिन अपने मोहरे बिठा कर गया, अपने मोहरे बिठा कर गया और उन मोहरों को ताकत फराहम की। तो अब अगर देखा जाए तो 2.5 लाख फौज थी जो अमरीका ने अफगान की उस वक्त इंतजामिया के पास छोड़ी और इनकी तालिबान के तादाद मुश्किल से 40,000। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि इधर अमरीका निकला और उधर अफगानिस्तान के अवाम ने इनके लिए अपने शहरों के दरवाजे खोल दिए और जो अफगान फौजी थे उन्होंने हथियार डाले और उसके नतीजे में रफ्ता रफ्ता इस कदर तेजी से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबे और शहर इनके कब्जे में आए और बिल आखिर काबुल तक, काबुल के कसर सदारत तक पहुंचे। यहाँ बैठकर कभी मुतकबिर बैठकर ये कहा करता था कि हम किसी कीमत पर भी तालिबान की हुकूमत गवारा नहीं करेंगे, वहाँ अल्लाह ताला ने इन दाढ़ी और पगड़ी वालों को ले जाकर बिठाया जिन्होंने वहाँ बैठकर सूरह फतह की तिलावत की। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मंजर ऐसा दिखा दिया है दुनिया को कि ईमान की ताकत सारी टेक्नोलॉजियों पर बरतर है।